हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे जैसा आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, लेकिन शायद वो आपको क्लियर नहीं होगा। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन कैसा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अपडेट होता है उसकी तरफ देखते हैं किस तरीके का अपडेट है, और है तो ये रिक्रूटमेंट ही, कौन है एलिजिबल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात। ओके, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2022 नालको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नालको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, यहां पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है नालको के द्वारा गेट 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। अब आते हैं कि कौन है एलिजिबल, कितने नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल के लिए 58, इलेक्ट्रिकल के लिए 41, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 32, मेटलर्जी के लिए 14, केमिकल के लिए 14, माइनिंग के लिए 10, सिविल के लिए 7, केमिस्ट्री के लिए 13। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे गाइस है 189। अब बात करते हैं यहां पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट किए गए हैं, जिसको जिस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा गेट 2022 के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हो गई हमारे पोस्ट के बारे में, कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम आते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विद 65% मिनिमम मार्क्स आपके पास होना चाहिए फॉर द जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एंड एससी एसटी पीबीडब्ल्यूडी के लिए 55%। क्लियर रहेगा। और थ्रू आउट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मार्क्स ऑल सेमेस्टर में यहाँ पर आपका 65+ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री के लिए, यहाँ तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किसके लिए चाहिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी और सिविल के लिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि नेक्स्ट केमिस्ट्री वालों के लिए क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एमएससी केमिस्ट्री मांगा गया है, मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर रहेगा। फाइनल ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी अपियरिंग स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप केमिस्ट्री पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एमएससी में फाइनल ईयर में भी आप एलिजिबल हैं, बी बीटेक में भी आप फाइनल ईयर में एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपके पास गेट 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि प्रिस्क्राइब्ड डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। तो मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है मैकेनिकल और प्रोडक्शन दोनों, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल, सिविल के लिए सिविल आर्किटेक्चर, सिरेमिक्स, माइनिंग के लिए माइनिंग, केमिकल के लिए केमिकल, और एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल हैं केमिकल में। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के लिए एमएससी यहां पर जरूरत है केमिस्ट्री। क्लियर रहेगा। अब यहां पर आता है एज लिमिट क्या है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अपर एज लिमिट रखा गया 30 ईयर्स। पहला ऐसा पीएसयू आपको देखने को मिलेगा यहां पर जहां पे आपको 30 ईयर्स का एज लिमिट दिया है कि आप 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गेट के रैंकिंग के आधार पर जो आपको स्कोर कार्ड मिला है उसके आधार पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद फिर आपका शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आप फर्दर रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गेट स्कोर कार्ड पे आप यहाँ अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्लियर रहेगा। वैलिड गेट मार्क्स होना चाहिए, गेट मार्क्स का मतलब है स्कोर कार्ड के अलावा मार्क्स कितना है आउट ऑफ 100, ये भी इंपॉर्टेंट रोल। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन कौन से पेपर कोड एलिजिबल है। तो मैकेनिकल के लिए ME, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए IN, मेटलर्जी के लिए MT, सिविल के लिए CE, माइनिंग के लिए MN, केमिकल के लिए CH एंड केमिस्ट्री के लिए CY यहाँ पर अप्लीकेबल है। ओके गाइस, फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनल सिलेक्शन जो है गेट मार्क्स, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू आएगा उसके आधार पर होगा। इंटरव्यू जो कंडक्ट कराया जाएगा यानी पर्सनल इंटरव्यू में जो आपका मार्क्स आएगा उसके बेसिस पर यहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। कंपनसेशन क्या है, यानी कि अगर हम पैकेज की बात करें, सैलरी की बात करें, तो इनिशियल सैलरी 40,000 की होगी। लेटर जब आपका सक्सेसफुल, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ये सैलरी आपका 60,000 से लेकर के 180,000 तक का, 180,000 तक के स्लैब में आएगा। इसके अलावा एक एडिशनल इंक्रीमेंट रहेगा, साथ ही साथ आपको डियरनेस अलाउंस अलग से मिलेंगे, HRA मिलेगा, कैफेटेरिया अप्रोच मिलेगा, उसके बाद फिर रिलेटेड पे जितने भी हो सकते हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी PRP के बाद आपका सुपर एनुएशन बेनिफिट, मेडिकल मिलेगा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेटिट्यूटी, सब कुछ कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। प्लेसमेंट कहाँ होगी, तो ध्यान रखिएगा, नालको के किसी भी साइट पे, इंडिया या एब्रॉड, आपका प्लेसमेंट किया जा सकता है, आपकी पोस्टिंग।
नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में। तो गाइज ध्यान रखेंगे, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट रहेंगे उन सभी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे छोटे छोटे कंडीशंस बताए गए हैं कि और किन लोगों को यहाँ पर हम यानी नालको जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है छूट प्रोवाइड करेगी। कोई रॉयट्स का अगर मान लो दंगों का पीड़ित है तो उसे किस तरीके से छूट दिया जाएगा, कोई स्वतंत्रता सेनानी का है, एक्स सर्विसमैन का है, डिफेंस स्टाफ का है, तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पे अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 4 सालों का बॉन्ड पीरियड रहेगा, 4 लाख रुपीज आपको यहाँ पर पे करने हैं, 4 लाख रुपीज का यहाँ पे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा जो जिसकी वैलिडिटी 4 इयर्स की है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका मेडिकल फिटनेस, जो कि बेसिक मेडिकल फिटनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आप अच्छे से सुन सकते हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, देख सकते हैं, बेसिक मेडिकल फिटनेस। इसके बाद एप्लीकेशन फी की बात आती है, जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 500 पे करना है। इसके अलावा अदर जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, सभी को यहाँ पे 100 रुपीज पे करना है, क्लियर रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपका VFE जो है नॉन रिफंडेबल है। अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट nalcoindia.com के कैरियर पेज पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये है आपका नालको का रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अपडेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको बता दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि डेट्स के बारे में 11/8 यानी कि 11 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है 11 सितंबर का, 11 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक का। और आज है 7th of August, अभी आपके पास 4 दिन समय है, 4 दिन के बाद से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या रहेगा। लास्ट डेट है सबमिशन का 11th of September, मिस मत कीजिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अभी आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, 4 दिन अभी भी समय है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने में। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, उस डिटेल्स के आधार पर आप सभी चीज़ों को एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड करने के बाद आप माइंड सेट करके अप्लाई कर सकते हैं अगर अपने आप को यहाँ पे सूटेबल कैंडिडेट्स पाते हैं तो। ओके, ये था नालको का नालको एक पीएससी यूनिट का रिक्रूटमेंट अपडेट। बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे एक नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।